हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस नेटवर्क एंड दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की तैयारी करने के दौरान एक आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए, आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। 24 घंटे के अंतर्गत प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटे का सदुपयोग आप अपनी तैयारी के दौरान किस प्रकार से करें, यह आज की हमारी वीडियो का मुख्य विषय वस्तु होगी। आप सभी अपने अपने तरीके से बीपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन एक आइडियल डेली रूटीन, एक आदर्श दिनचर्या के बारे में आज के इस वीडियो में मैं संक्षिप्त रूप में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। उम्मीद है कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी। आइए हम लोग इस डेली रूटीन के बारे में संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। इस डेली रूटीन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं कि इस डेली रूटीन को हमने 3 पार्ट में यहां पर डिवाइड करके लिखा है। पहला जो शिफ्ट है वह मॉर्निंग शिफ्ट होगा, इसके बाद आफ्टरनून का शिफ्ट होगा, इसके बाद नाइट का शिफ्ट होगा। इन 3 शिफ्ट में आपकी स्टडी का प्लान क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी का चार्ट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी डेली रूटीन में आदत लगाइए कि आप 7 बजे पढ़ने के लिए अपने स्टडी रूम में आ जाएं और 7 बजे आप टेबल चेयर पर पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे उपयुक्त समय होता है, जब आप 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो जीएस का एक पेपर आप 7 से 10 बजे के बीच में पढ़िए। यह 3 घंटे का जो आपका समय होगा, बिना किसी कोई भी इस समय डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, अपनी पढ़ते समय मोबाइल को स्विच ऑफ करिए और एकदम शांतिपूर्वक आप 3 घंटे का कोई एक जीएस पेपर यहां पर आप स्टडी करिए। इस समय जीएस पेपर में उस विषय को आप ज़्यादा प्रिफरेंस दें जो सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आपके आ रहे हों, उस सब्जेक्ट को आप यहां पर प्रेफर करिए पढ़ने के लिए। यानी कि चूंकि मॉर्निंग, जब माना जाता है कि मॉर्निंग में माइंड जो होती है बिल्कुल एकदम शांत और फ्रेश होता है, तो इस समय जो भी आप पढ़ेंगे वह चीज़ें जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगी, माइंड पर कोई प्रेशर नहीं होता है। तो 7 से 10 बजे के बीच जीएस का कोई एक पेपर आप उठाइए जो आपके लिए डिफिकल्ट हो, और एक स्लॉट आप 3 घंटे का यहां पर पूरी गंभीरता के साथ आप 3 घंटे का अध्ययन करें। 3 घंटे का अध्ययन करने के बाद, चूंकि माइंड आपके काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, लगातार आप एक गंभीर विषय को 3 घंटे तक पढ़ रहे होंगे, तो इसके बाद आप आधे घंटे का टी ब्रेक लीजिए। इस समय चाय, कॉफी, नाश्ता, जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहें वह कर सकते हैं। तो ये आधे घंटे का आपका यहां पर टी ब्रेक होगा 10 से 10:30 बजे तक। पुनः 10:30 बजे आप अपनी स्टडी रूम में आप अपने टेबल चेयर पर आ जाइए और 10:30 बजे से 12 बजे तक आप 1.5 घंटे में उस दिन का न्यूज़पेपर आप पढ़िए। क्योंकि सुबह सुबह आपने एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ा है, माइंड प्रेशर में आ चुका है, तो इस समय आपके लिए सबसे उपयुक्त समय होगा कि आप डेली न्यूज़पेपर को आप यहाँ पर पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना किसी भी अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंतर्गत दिन प्रतिदिन की घटनाएं के बारे में आपको अवेयर होने का समय मिलता है, अवेयर होने का आपको मौका मिलता है। तो आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर को शामिल करिए और उसे 10:30 से 12:30 बजे के बीच न्यूज़पेपर को पढ़िए। न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है, करेंट अपडेशन का वर्क। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको लगे कि ये चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया हुआ है, तो आप उसे अपने नोटबुक में लिख लें, ठीक है। तो ये काम आपको यहाँ पर गंभीरता के साथ करनी होगी। 1.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त समय माना जाता है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपको इतना ही वर्क करनी है, 3 घंटे का गंभीरतापूर्वक कोई एक जीएस का पेपर पढ़ना है और फिर 1.5 घंटे आपको न्यूज़पेपर और करेंट अपडेशन पर आपको यहां पर काम करना है। इसके बाद यह मॉर्निंग शिफ्ट यहां पर समाप्त होती है। अब आते हैं आफ्टरनून शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट, चूंकि 12 बजे तक न्यूज़पेपर पढ़ना है, 12 बजे के बाद आप 2 घंटे का यहां पर लंच और रेस्ट का यहां पर आप टाइम दीजिए। अगर आप
घर से बाहर कमरे लेकर रह रहे हों, अगर आपको खाना बनाने का काम हो या फिर टिफिन की व्यवस्था हो, जो कुछ भी हो, तो आप 2 घंटे का समय लंच प्लस रेस्ट का दीजिए। अगर रेस्ट करने के बाद भी ये 2 घंटे में समय आपको बच जा रहे हों, तो आप रैपिड रिवीजन 10 से 15 मिनट में रैपिड रिवीजन आप कर सकते हैं। किसका रैपिड रिवीजन करेंगे? जो आपने सुबह 7 से 10 बजे के बीच जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका रैपिड रिवीजन 15 से 20 मिनट में कर सकते हैं, अगर आपके पास समय बचा हो तो, ठीक है। अन्यथा 12 से 2 बजे तक का समय आप लंच प्लस रेस्ट में दीजिए 2 घंटे। यहां पर 2 घंटे आराम से यहां पर रेस्ट कीजिए और इसके बाद पुनः आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए और अगला आपका रूटीन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पुनः एक बार 3 घंटे का रूटीन आपके सामने है। और इस 3 घंटे के अंतर्गत जीएस का कोई एक अदर पेपर पढ़िए, कोई एक दूसरा पेपर पढ़िए, तो इस प्रकार से आप पर डे जीएस का 2 पेपर पढ़ पाएंगे। पर डे पहला पेपर होगा 7 से 10 बजे के बीच मॉर्निंग में और दूसरा पेपर 2 से 5 बजे के बीच इवनिंग में। ये 2 पेपर अगर आप जीएस का गंभीरता से पढ़ ले रहे हैं, यानी कि 6 घंटे आप पर डे जीएस पेपर को काफी गंभीरता से आप पढ़ रहे हैं, यह आपकी सफलता में रामबाण कदम साबित होगी। 5 बजे के बाद आप फिर से आधे घंटे का टी ब्रेक लीजिए, चूंकि फिर आपने यहाँ पर 3 घंटे एक गंभीरता से 3 घंटे की पढ़ाई की है, तो इसके बाद आप इस समय आधे घंटे फिर से आप एक बार टी ब्रेक लीजिए। इसके बाद पुनः 5:30 बजे से अपने स्टडी शुरू करिए और 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय आप करेंट अफेयर्स को दीजिए। उस समय हमने मॉर्निंग में दिया 10:30 से 12:30 का टाइम न्यूज़पेपर के लिए, लेकिन इस समय करेंट अफेयर्स में आप कोई भी एक पत्रिका को पढ़ने की आदत डालिए, इसके 1-2 आर्टिकल पर डे पढ़ने की आदत डालिए, इसके अलावा कोई भी आप प्रीलिम्स से संबंधित कोई चीजें याद करनी हो, कोई अन्य मैगजीन पढ़ना हो, तो उसके लिए यह 2 घंटे का यहां पर समय दिया हुआ 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पुनः यह 2 घंटे आप गंभीरता से पढ़ाई करिए और 2 घंटे गंभीरता से पढ़ाई करने के बाद आप यहां पर फिर से आप 2 घंटे का यहां पर आप ब्रेक दे सकते हैं। इस समय आप अपनी डिनर करिए 2 घंटे के दौरान, टहलना हो तो आप टहल सकते हैं, कुछ भी आपको अदर एक्टिविटीज हो तो आप यहाँ पर 2 घंटे के दौरान कर लीजिए और पुनः 9:30 बजे आप अपनी स्टडी रूम में आइए, टेबल चेयर आप लगाइए और उस समय 9:30 बजे से आपकी पुनः पढ़ाई स्टार्ट होगी। और इस समय 9:30 से 11 बजे तक आप दिन भर जो भी आपने पढ़ा है उसका रैपिड रिविजन करिए। दिन में आपने क्या क्या पढ़ा है, जीएस का कोई एक पेपर आपने पढ़ा मॉर्निंग में 7 से 10 बजे के बीच, और जीएस का दूसरा पेपर आपने पढ़ा है 2 बजे से 5 बजे के बीच, और इसके बाद 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक आपने करंट पढ़ा है। ये जो आपने 8 घंटे की पढ़ाई की है उसे आप 1.5 घंटे में आप रैपिड रिवीजन करिए, महत्वपूर्ण पॉइंट को आप रिवाइज करिए और उसे लिखने का प्रयास करिए कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ा है उसे आप रिकवर याद कर पाते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप पॉइंट लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। इसके बाद 11 से 12 बजे तक का जो आपका समय है वह प्रैक्टिस सेट या एमसीक्यू आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी जीएस का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अंतर्गत भी आप प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू उस सब्जेक्ट से संबंधित सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने टाइम दिया, अगर आप परीक्षा के टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग 70-75 प्रश्न आप डेली करना आते हैं तो 1 घंटे में 75 प्रश्न आप डेली 75 MCQ कर सकते हैं। इसे आप 1-2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट को आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी डेली रूटीन होगी। डेली रूटीन आपकी मॉर्निंग में 6 बजे से स्टार्ट होगी, 6 बजे आप जाग जाइए, यहाँ 12 बजे तक का रूटीन है, 12 से 6 बजे तक की आप नींद लीजिए, 6 बजे आप जाग जाइए और 6 बजे के बाद आप मॉर्निंग वर्क करने के बाद 7 बजे स्टडी टेबल पर आपको आ जानी है और वहां से आपकी दिनचर्या स्टार्ट होगी। रात्रि 12 बजे तक की यह दिनचर्या चलेगी। काफी गंभीरता से आपको 24 घंटे के इस डेली रूटीन को आपको फॉलो करना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ने के समय आप किन किन महत्वपूर्ण चीजों को आप ध्यान देंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होगा वह है मेथड ऑफ स्टडी। आपकी पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए? पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका है कि आप टेबल चेयर पर ही हमेशा बैठकर पढ़ें। याद करने वाली कुछ चीजें हो तो आप घूमकर टहलकर याद कर सकते हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक आपकी स्टडी टेबल चेयर पर बैठकर करने से ही होगी। इससे आपकी एक जिम्मेवारी का एहसास होगा। जब आप गंभीरता के साथ टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर गंभीरता का एहसास होगा और आपको यह महसूस होगा कि आप कोई एक गंभीर चीज जिम्मेवारी के साथ कोई आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्टडी आपकी हमेशा टेबल चेयर पर होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा इसे फॉलो करने की कोशिश करिए। रीड लेस
एंड रिवाइज मोर, अधिक से अधिक रिवीजन करिए। वास्तव में सफल उन अभ्यर्थियों को ही प्राप्त होती है, सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है जो पढ़ाई कम और रिवीजन अधिक करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप रिवीजन करिए, और पढ़ाई करने के दौरान टेबल पर सिर्फ आपकी रेफरेंस बुक ही होनी चाहिए। रेफरेंस बुक्स के अलावा टेबल चेयर पर आपकी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका माइंड जो है वह कंसंट्रेट हो पाएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उन सब्जेक्ट से संबंधित ही चीज़ों को आप अपनी टेबल पर रखें, ताकि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो। यह पढ़ाई का तरीका होता है। तो अधिक से अधिक आप रिवीजन करिए, जो भी आप पढ़ते हों उसको पर डे रिवीजन की कोशिश करिए, क्योंकि रिवीजन की वजह से कई सारे प्रश्न परीक्षा के दौरान गलत हो जाते हैं। ऐसा आपने भी महसूस अवश्य किया होगा। अगला, फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम नंबर। अधिकांश अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जब वो बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं, तो शुरू करने के पहले वे 4-5 साल का कट ऑफ जो होता है वह उसे देख लेते हैं, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग एक टारगेट को सेट कर लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ अगर 100 गया हो तो इस बार हमें 105 नंबर लेकर आ जाना है, इतना में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसी धारणा कभी कभी गलत भी साबित होती है। आपने 67वीं के कट ऑफ के दौरान इस बात को महसूस किया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। कट ऑफ को क्रॉस करें, कट ऑफ को भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपका टारगेट मैक्सिमम नंबर प्राप्त करने पर होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आसान प्रश्न आए और 150 का प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में आता हो, तो आप कोशिश करिए कि अधिक से अधिक नंबर आप गेन कर सकें। सिर्फ कट ऑफ या प्रीवियस ईयर से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर आप उसे गेन करने की कोशिश करिए। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू पर आपकी कमांड पूरी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी युद्ध में जाने से पूर्व हथियार का होना आवश्यक है, और बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा हथियार बीपीएससी का सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर सिलेबस अनडिफाइंड है, इसे पूरी तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपके हथियार के रूप में काम करेंगे। तो सिलेबस और पीवाईक्यू ये दो महत्वपूर्ण हथियार हैं बीपीएससी कंपटीशन क्रैक करने के लिए। इसके बाद जब आप सिलेबस को देख रहे होते हैं, तो सिलेबस को देखने के बाद यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी सिलेबस को 3 भागों में कैटेगराइज करिए, 3 भागों में सिलेबस को विभाजित करने की कोशिश करिए। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, और तीसरा जस्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक। यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब हो गया बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यहां से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसे टॉपिक होने चाहिए जहां से प्रति वर्ष सवाल पूछे जाते हैं, वह हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा इससे थोड़ा सा महत्वपूर्ण, जहां पे कभी कभी सवाल पूछा जाता है, हमेशा यहां पर प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, और यह जस्ट टू इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि कभी कभार यहां पर परीक्षा में प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाए। तो इन 3 कैटेगरी में आप अपने सिलेबस को डिफाइन करिए, सिलेबस को कैटेगराइज करिए। अब वैसे टॉपिक आप जब देखेंगे, मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री पेपर को उठाते हैं, तो हिस्ट्री का पीवाईक्यू आप देखिए कौन से टॉपिक से प्रश्न लगातार हर बार पूछा जा रहा है, वह आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसकी लिस्ट अलग बनाइए। दूसरा उससे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से प्रतिवर्ष नहीं 1-2 साल गैप करके प्रश्न पूछा जा रहा है, वह आपका लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसकी लिस्ट अलग बनाइए। और तीसरा जहां से कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वह आपका जस्ट टू इंपॉर्टेंट, और इसे आपको सिर्फ देख कर चले जाना है। लेकिन आपकी कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपकी भरपूर कमांड होनी चाहिए, तब जाकर आप बीपीएससी कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक क्या आइडियल डेली रूटीन होनी चाहिए, एक क्या आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपकी बीपीएससी की इस जर्नी के दौरान काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का अवश्य शेयर करें, और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।